अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ गंगा चोटी पे, और गंगा चोटी सतह समुद्र से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर वाकया है। इसका जो मैं आपको रास्ता बताऊं तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है, मुजफ्फराबाद से भी है और बाग के रास्ते से भी आप यहाँ आया जा सकता है। मुजफ्फराबाद से कम अज़ कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, आपको चकार के रास्ते से होते हुए आप आ सकते हैं। दूसरी तरफ बाग का रास्ता भी है जो सुदन गली आके यहाँ से ऊपर गंगा चोटी का 7 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पहुँचा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो गंगा चोटी का पीक जगह है ऊपर टॉप पे। मेरे बैग पे जो नज़र आ रहा है, आज स्नो फेस्टिवल है, ये इसका लास्ट डे है, अख्ताम पजीर होगा आज। हर साल एक्टिविटीज़ होती है, पाकिस्तान भर से तकरीबन 37 एथलीट्स आए हुए हैं, जिसमें मेल फीमेल और बहुत सारे जो हैं जो खिलाड़ी हैं जो सिक्की के जो गेम हैं और मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। समर सीज़न में तो लाखों लोग यहाँ आते हैं, और इसी तरह अगर विंटर सीज़न की बात की जाए तो विंटर सीज़न में ये जो महकमा सियाहत और उसके साथ साथ महकमा स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर के ज़ेर तमाम ये इवेंट होता है हर साल, और बड़े ही इसके जो हसीन नज़ारे हैं, जो वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, जो टेकरियाँ हैं, बड़ी ही खूबसूरत टेकरियाँ हैं। अगर मेरे चारों तरफ में देखा जाए तो बर्फ़ के भी बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, और देखा जाए कि गंगा चोटी बड़ा खूबसूरत मकाम है। यहाँ से पूरा एरियल व्यू नज़र आता है, एक इंतहाई दिलकश मंज़र पेश करता है। और आज की एक्टिविटीज़ में हम लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि गंगा चोटी उनको कैसा लगा और सियाहत के एतबार से ये कैसा मकाम है। आज की एक्टिविटीज़ जो होगी, मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, उनका भी विज़िट कराएँगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि एक सियाहती मकाम, खूबसूरत मकाम यहाँ आके उनको कैसा लगा और क्या फीलिंग है उनकी। आलमोस्ट तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ये बैकड्रॉप लग चुका है सामने, और ये स्टेज है, यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे। और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये स्टेज पे जो ये नीचे कोरा देखें लगा हुआ है, और ये सामने जो लगे हुए हैं सोफ़े मेहमानों के लिए, ये सोफ़े भी तैयार हैं। और इस तरफ सारी इस जो एंगल पे स्टॉल लगे हुए हैं ऊपर तक, और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं इस जगह के। और ये गंगा चोटी का मकाम है, अभी हम कोरे पे चल रहे हैं, और इसमें पानी भी है हल्का फुल्का, और बर्फ जमी हुई है, ये देखें। My name is Mahin Malik and I'm representing Emirat Group of Companies. We've been invited by Sir Nisar Saab, and it's our first visit coming here. And after coming here, it doesn't feel like that we've been here for the first time. It actually feels like that we've been here, we were born here, we were raised here, because of the hospitality that's been served by the people over here. And apart from that, this entire event is actually a motivation, and it's actually a good message for the entire youth. And I would actually request everyone to come here as together and actually help them out to spread their message out and do something for the sake of the youth, because as we come together we can accomplish a lot of things together. Thank you. ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली लिंक्ड हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, कि जिसकी वजह से वेदर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। स्नोफॉल गर्मियों में हो रही है और सर्दियों में नहीं हो रही है, और सर्दियों में भी जो इसका एग्जैक्ट टाइम है उसमें नहीं हो रही है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जो इस फेस्टिवल को भी मुतासर कर रहे हैं और ज़िंदगी के हर शोबा को जो है वो मुतासर कर रहे हैं। तो मैं बिलखसूस इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन सारे चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इस फेस्टिवल को यहाँ करवाया है, अदरवाइज़ जो मौसमी हालात हैं वो इतना सपोर्टिव नहीं थे। गंगा चोटी स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल है, ये अब आज़ाद कश्मीर का एक परमानेंट फीचर बन चुका है। ये हमने चौथा फेस्टिवल करवाया है यहाँ पर,
और विंटर स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन है वो आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक एफिलिएटेड एसोसिएशन भी है, लिहाजा इस पे हमारा स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ़रोग देना भी मकसद था, टूरिज्म भी हमारा मकसद था और साथ साथ हमारा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करना और एक तफरीह मुहैया करना भी मकसद था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, PWD की, बाकी डिपार्टमेंट्स की, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में हमारी हेल्प की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर्स की, तमाम स्पॉन्सर्स की जिन्होंने इसमें फिज़िकली, फाइनेंशली और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट करके इस खूबसूरत इवेंट को कामयाब किया। कश्मीरी शॉल जो हैं इसका स्टॉल है और ये कश्मीरी जो है कल्चर से रेलिवेंट सारी चीज़ें हैं और ख़ूबसूरत अंदाज से इन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज करके लगाया हुआ है। आप ये देखें और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो पहचान है, इससे रेलिवेंट चीज़ें इस स्टॉल पे हैं। आगे चलते हैं और दूसरे स्टॉल पे उस पर विज़िट करते हैं कि वो कैसा है। आप अगर देखें तो ये व्यूज़ हैं यहाँ के, बहुत ही ख़ूबसूरत है। ये दूसरा स्टॉल है हमारा, इस पे भी जो कश्मीर से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं और ये आप अगर दिखाऊं तो मैं आपको, ये बधाणी है जिसमें लस्सी बनाई जाती है, ये चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी के बर्तन हैं सारे ये लगे हुए हैं और वो गड़वी जहाँ से जिससे पानी लाया जाता है और इस टाइप की चीज़ें हैं और कश्मीरी कल्चर पर और कल्चर ओल्ड कल्चर को ये जो है दिखा रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है। ये चाबियाँ हैं जहाँ इसमें रोटियाँ वगैरह रखी जाती हैं। आएँ आगे दूसरे स्टॉल पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। सुपोर्ट सुपोर्ट दिया क्या